वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज के इस वीडियो में हम चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो चांदीपुरा वायरस यानी CHPV पहली बार 1965 में महाराष्ट्र में पाया गया था। यहाँ इस वायरस ने 36 वर्षों में बड़े पैमाने पर बच्चों की जानें ली और एक प्रकोप की तरह फैलकर पूरे चांदीपुरा गांव को नष्ट कर दिया। इसी गांव के आधार पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। इसके बाद 2004, 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इस वायरस को रिपोर्ट किया गया। अब चांदीपुरा वायरस आखिर है क्या? तो चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है जो कि सबसे ज़्यादा फीमेल फ्लेवोटोमाइन मक्खी से फैलता है। इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडीज जिम्मेदार हैं। चांदीपुरा वायरस CHPV रेबडोविरिडो फैमिली का हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण संक्रमण होने का खतरा अधिक हो जाता है। यह ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है और शुरुआत में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। मक्खी के काटने, मच्छर के काटने से यह संक्रमण फैलता है। संक्रमण की गंभीर स्थिति में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी कि मस्तिष्क में सूजन हो सकती है। चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स देखने में वायरल फ्लू जैसे लगते हैं। इसमें तेज बुखार, उल्टी, दिमाग में सूजन जिसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अगर सही समय पर पेशेंट का इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चांदीपुरा वायरस खास तौर पर बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। 9 माह से लेकर 14 साल तक के बच्चे इससे जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। संक्रमण फैलने का जो मेन रीज़न है वो है यह वायरस मक्खी या मच्छर के काटने पर उनके लार के जरिए हमारे रक्त में इंसर्ट हो जाता है, यानी कि मच्छर के थ्रू या मक्खी के इन्फेक्शन के थ्रू यह वायरस हमारे ब्लड में आ जाता है। चांदीपुरा वायरस के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इस वायरस का नहीं है। वैक्सीन्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। जल्द ही इसमें हमें सफलता मिल जाएगी और फिर हम इस वायरस से इजीली फाइट कर पाएंगे। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स में हमें मॉस्क्यूटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ मच्छरदानी का हम इस्तेमाल करें और मच्छर या मक्खी को पनपने से रोकने के लिए घर के आसपास हम पानी जमा ना होने दें, उसमें इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।